नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम केपी में प्रश्न शास्त्र से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया विषय, आशा है ये विषय आप सभी को बहुत पसंद आएगा और आज आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। मैं इस विषय के बारे में बताने के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी को आमंत्रित कर रहा हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत नमस्कार है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज आपने बहुत ही रोचक विषय लिया है, प्रश्न कुंडली में रूलिंग प्लैनेट्स का महत्व। ये हमारा टॉपिक है आज। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि वैसे तो जो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनका हमारे जीवन में अत्यंत ही वैसे ही बहुत महत्व है, लेकिन मैंने चूंकि कृष्णमूर्ति पद्धति पे काम किया हुआ है बरसों से, 30-35 साल से मैं इसी पे काम कर रही हूँ और मेरे प्रिडिक्शंस भी इसी पे बेस्ड रहते हैं। तो इस विषय में रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं उनका प्रश्न कुंडली में कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से बहुत महत्व है कृष्णमूर्ति पद्धति में। हालांकि हम रूलिंग प्लैनेट्स को कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या हैं, इस विषय में मैं ये बताना चाहूंगी कि रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं, जिस समय हम कोई भी निर्णय लेते हैं किसी भी प्रश्न विषय के संबंध में, कोई प्रश्न विशेष चल रहा है वो भी प्रश्न कुंडली के आधार पर हम किसी प्रश्न का उत्तर देखना चाहते हैं, तो पहले हम प्रश्न कुंडली बना लेते हैं और उसमें जो कारक ग्रह हैं उनको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसको वेरीफाई करने के लिए हम रूलिंग प्लैनेट्स को लेते हैं और उनसे हमें जो रिजल्ट है उसको मैच करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम यदि बताते हैं तो वो बिल्कुल सही आता है। इस विषय में एक सरल सी बात यह है कि यदि हम किसी हम बीमार हैं या कुछ हमें परेशानी हो रही है तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ बताता है कि आपकी ये मतलब बीमारी है या इस तरह से ठीक होगी, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें पूरा विश्वास नहीं आ पाता कि ये सही है कि नहीं, तो हम सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं और अगर वो कंफर्म करता है तो हम ये 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ जो भी चीज मुझे बताई गई है वो सही बताई गई है। तो इसी प्रकार जब हम प्रश्न कुंडली का आंसर देते हैं किसी भी व्यक्ति को तो उसका आंसर वेरीफाई करने के लिए हम रूलिंग प्लैनेट्स को भी साथ में देखते हैं। अब आप कहेंगे कि रूलिंग प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्रश्न कुंडली में विशेष रूप से केपी की प्रश्न कुंडली में अंक जो है 249 अंक लेते हैं, वो उन्होंने उप विभाजन किए हुए हैं। 360 डिग्री हमारा आकार है, चक्र चक्राकार जो है 12 राशियों का, उसके उन्होंने 249 विभाग किए हुए हैं नक्षत्रों के आधार पर। जैसे हमने नक्षत्रों में नवांश के आधार पर 108 विभाजन कर रखे, और प्रश्न कुंडली में जो हमारे वैदिक पंडित हैं वो कई लोग 108 नंबर में से नंबर मांग के भी प्रश्न कुंडली का निवारण करते हैं। तो कृष्ण मूर्ति जी ने 249 नंबर लिए हैं, उसमें से कोई भी एक नंबर जो व्यक्ति देता है प्रश्नकर्ता, उसके आधार पर लग्न कुंडली बनाई जाती है और फिर ग्रहों को उस बैठाकर सिग्निफिकेटर्स निकाल के उसका उत्तर दिया जाता है और उसको वेरीफाई करने के लिए हम रूलिंग प्लैनेट्स को ले लेते हैं। अब हम रूलिंग प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूलिंग प्लैनेट होता है वो रहता है डे लॉर्ड, मतलब वार का दिन। जैसे आज हमारा जो है शुक्रवार है, तो आज जो है फ्राइडे, इसका जो वार देवता है या ग्रह है वो शुक्र है, तो हम शुक्र को ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे हमारा चंद्रमा किस नक्षत्र राशि में चल रहा है, वो चंद्रमा जो है जिस भी राशि में चलता है उसका राशि स्वामी हम ले लेते हैं, राशि स्वामी हमारा रूलिंग प्लैनेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा चंद्रमा किस नक्षत्र में चल रहा है, उसको हम ले लेंगे, वो भी हमारा एक रूलिंग प्लैनेट हो जाएगा। उसके बाद जो लग्न उदित है अभी इस समय जब हम प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, तो जो लग्न उदित है उस लग्न का स्वामी हम लेंगे। और पांचवा है वो लग्न किस नक्षत्र में उदित है, क्योंकि 30 डिग्री की लग्न होते हैं जहां ज्योतिषी प्रश्न का समाधान करने बैठता है
लगभग जो है उसी स्थान का लिया जाता है। जो प्रश्न करता जहां से प्रश्न पूछ रहा है, हो सकता है वो विदेश से पूछ रहा हो, दुनिया के किसी भी देश से पूछे या इंडिया में भी कहीं भी सिटी से पूछे, लेकिन ज्योतिषी जहां बैठा है वहां का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके आधार पे लग्नोदय हमें लेना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, अभी वर्तमान समय में ही हम देखते हैं, आज वार हमने देख लिया फ्राइडे, ठीक है। अब हम चंद्रमा का नक्षत्र यदि देखते हैं तो चंद्रमा जो है आज कन्या राशि में चल रहा है, कन्या राशि का स्वामी हो गया बुध, तो बुध हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो हस्त नक्षत्र है, तो हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में आ गया। इसके बाद हम लग्नोदय देख रहे हैं कि लग्न कौन सी होती है, तो मैं चूंकि नोएडा में बैठ के ये काम कर रही हूँ तो नोएडा के हिसाब से जब मैंने देखा तो कर्क लग्न अभी इस समय उदित है। कर्क लग्न जो है 23:17 की उदित है, तो लग्न का स्वामी हो गया चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी हो गया बुध, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र पे अभी चल रही है। तो हमारे कुल रूलिंग प्लैनेट्स कितने हो गए, सबसे पहले शुक्र हो गया हमारा, फिर बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, अब लग्न भी हमारी चंद्र और बुध से जुड़ी हुई है। तो कुल मिला के हमारे 3 जो प्रमुख रूलिंग प्लैनेट्स आ गए, शुक्र, चंद्र और बुध। अब हमें चूंकि प्रश्न कुंडली में हमें ये देखना होता है कि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह वक्री तो नहीं है, प्रश्न कुंडली में ये अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है कि कोई भी ग्रह वक्री हो तो वो जो है फल दिलाने में देरी करता है जब तक वो वक्री, उसके बाद वो रिजल्ट देता है। लेकिन यदि कोई ग्रह वक्री ग्रह के नक्षत्र में होता है तो आप ये पक्की बात मानिए कि उस प्रश्न का उत्तर ना में आएगा, मतलब वो रूलिंग प्लैनेट हम हटा देते हैं कि वो रूलिंग प्लैनेट, जैसे अभी हम देख ले, मान लीजिए कि चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में चल रहा है, चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होता है ना। अभी हम बुध को देख लेते हैं, बुध वक्री चल रहा है ना, तो बुध जब तक वक्री रहेगा और हमारा कोई प्रश्न अभी पूछता है तब तक हमारे इस प्रश्न का उत्तर लटकता रहेगा, अर्थात आंसर हमें पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो हमारा आज लग्न का नक्षत्र भी बुध का है और राशि भी बुध है, तो बुध हमारे अड़ंगा डालता है, इसको हम हटा देते हैं, बुध को हटा देंगे, हमारे पास 2 रूलिंग प्लैनेट्स बचेंगे, चंद्रमा और शुक्र, उनको लेके हम हमारी प्रश्न कुंडली से कोरिलेट करेंगे और जो फेवरेबल होगा रिजल्ट दशा अंतर दशा में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान रखनी पड़ती है, राहु केतु को बहुत महत्व देना पड़ता है कि राहु केतु जो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं उनमें से किसी की भी राशि में होते हैं तो राहु केतु को भी ले लिया जाता है, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी का बार बार यही कहना है कि राहु केतु जिस ग्रह के साथ युति करते हैं उसकी पावर लेते हैं, जो ग्रह उनको देखता है उसकी पावर लेते हैं, जिस ग्रह के साथ वो जिस नक्षत्र में होते हैं उसका भी फल देते हैं और जिस राशि में होते हैं उसका भी फल देते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि राहु या केतु जो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनकी राशि में तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि केतु जो है हमारी तुला राशि में चल रहा है, आज की बात हम कर रहे हैं, तो उसका स्वामी है शुक्र, तो हम केतु को भी हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में ऐड कर लेंगे। लेकिन चूंकि जो राहु है वो मेष राशि में चल रहा है, मंगल हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं आता, तो हम राहु को छोड़ देंगे। इस प्रकार जो भी हमारी प्रश्न कुंडली अभी बनती है उसमें हम इन 3 रूलिंग प्लैनेट्स को कोरिलेट करेंगे और ये हमारी प्रश्न कुंडली के सिग्निफिकेटर्स से मैच करते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होंगे और 100% कह सकते हैं इन ग्रहों की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है वो अवश्य मिलेगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली में अधिकांश प्रश्न जो हैं हम यही पूछते हैं कि भाई मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, यही इसी तरह के प्रश्न आते हैं कब होगा, तो इन दोनों के उत्तर हमें इसी रूलिंग प्लैनेट्स उसको आंसर को सही करने में हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमें रूलिंग प्लैनेट्स को अत्यंत ध्यान से देखना चाहिए। हम दैनिक जीवन में भी रूलिंग प्लैनेट्स को तो नहीं, चंद्रमा के नक्षत्र और चंद्रमा की राशि को तो देख ही लेते हैं, मान लीजिए हमारी वृश्चिक लग्न है, चंद्रमा हमारा कन्या राशि में चल रहा है तो हम देख लेते हैं कि चंद्रमा 11th हाउस में मेरे चल रहा है, या मिथुन राशि में चल रहा है तो चंद्रमा मेरा 8th भाव में चल रहा है, तो मुझे किस प्रकार के फल देगा और किस नक्षत्र में चल रहा है, बुध के नक्षत्र में चल रहा है तो बुध मेरे लिए
वृश्चिक लग्न वालों के लिए अष्टमेश भी है और लाभेश भी है, मतलब चिंता भी देगा और लाभ भी देगा, दोनों तरह के रिजल्ट देगा। तो हम अपने प्रतिदिन जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनमें भी हमारा उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में चल रहा है उसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। इस तरह से हम देखें तो रूलिंग प्लैनेट्स का हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से यदि हम माइन्यूटली कुछ भी निर्णय लेना चाहते हैं तो अत्यंत ही महत्व है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा, और नहीं तो हम कृष्णमूर्ति पद्धति के और भी कई विषय हैं उनको भी भविष्य में समय समय पर अवश्य लेकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में एक बहुत ही बढ़िया सुंदर जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों विषयों में सहायता देती हैं। आप सब में से जिसको कंसल्टेंसी या शिक्षा संबंधित कोई भी कार्य है आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करें। इसी के साथ एक बहुत शानदार वीडियो के लिए, एक सिंपल सा वीडियो और एक जो प्रश्न शास्त्र से जुड़े हुए विषय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।